काला पत्थर इलाके के रॉड शीटर शानूर गाजी कत्ल केस में मुलविस 9 मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद कर लिए। तहकीकात में पुलिस को ये मालूम हुआ कि भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए मोहम्मद अरबाज ने शाहनूर का कत्ल किया। तफसीलात के मुताबिक 19 जुलाई की शब बाज नामालूम अफराद ने शाहनूर गाजी का इलाके काला पत्थर बशारत नगर में हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया था और वहां से फरार हो गए थे। पुलिस काला पत्थर ने इस सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया था। तहकीकात के दौरान मुकामी पुलिस और टास्क फोर्स ने 9 अफराद बशमूल एक कम उम्र मुलजिम को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि साल 2018 में शाहनूर ने मोहम्मद मुश्ताक नामी शख्स का कत्ल किया था। मकतूल के भाई मोहम्मद अरबाज अपने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए एक मंसूबे के तहत शाहनूर को अपने साथियों मोहम्मद सैफ अली, मोहम्मद कुतुबुद्दीन, सैयद रशीद, मोहम्मद जावेद, शहबाज खान, सैयद अब्दुल फरहान, मोहम्मद अमीर मुनीर के अलावा एक कम उम्र के हमरा 19 जुलाई की शब शाहनूर की आंखों में लाल मिर्च छिड़क कर चाकों से हमला करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने तमाम मुलजमीन को अदालत में पेश करते हुए जेल मुंतकिल कर दिया।